जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री की नई अनाज मंडी में मौजूद है, जहां पर सफाई व्यवस्था को लेकर के बात करें तो बिल्कुल भी नहीं यहां पर सफाई है। 1 अप्रैल से प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि 1 अप्रैल से मंडी में गेहूँ की खरीद शुरू हो जाएगी। इंद्री अनाज मंडी में मौजूद है, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सफाई को लेकर के यहाँ पर व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराई नजर आ रही है, क्योंकि शेडो की अगर बात करें, शेडो में भी जो सरसों की फसल लेकर के किसान पहुंचे थे, वहां पर उसके अवशेष अभी भी जों के तों पड़े हुए हैं। साइडों की अगर बात करें, साइडों में जो मिट्टी है वो अभी भी पड़ी हुई है, क्योंकि मंडियों में जो सड़कों का निर्माण हुआ था उसके बाद जो मिट्टी है साइडों में वो भी जों की तों पड़ी हुई है। 1 अप्रैल से मंडी में गेहूँ की खरीद शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद भी जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई नजर आ रही है। चरमराई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो किसान इक्का दुक्का भी गेहूँ की फसल लेकर के आ रहे हैं, और उस देखा जा रहा है कि जो फसल है वो अभी नरमी है, यानी कि नरम है, उसकी जो खरीद है वो अभी नहीं हो पा रही है। उसके चलते किसान क्या कह रहे हैं, मंडी के जो प्रधान हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो सेक्रेटरी हैं वो क्या सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपको सुनवाएंगे और पूछेंगे क्या कुछ व्यवस्था को लेकर के आप लोगों की तैयारियां हैं। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं ये। प्रधान जी क्या कहेंगे, 1 अप्रैल से मंडी खरीद शुरू हो चुकी है, क्या व्यवस्था है अभी मंडी की? 1 अप्रैल से गेहूँ की खरीद शुरू हो चुकी है और हमारी मंडी में बारदाना भी आ चुके हैं, और गेहूँ की अरेवल नहीं है, गेहूँ की एक कदुक्का कुछ एरिया है वही नरम है, अभी उसको बारदाना में भरने के काबिल नहीं है, उसको सुखाया जा रहा है और उसके बाद में उसको बारदाना में भर दिया जाएगा। मंडी में व्यवस्था ठीक है, प्रशासन साथ दे रहा है, प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही अरेवल शुरू होगी माल सुखाएगा और सुखा के पंखा लगा के गवर्नमेंट को बारदाने में भर दिया जाएगा। मंडी में देखा जा रहा है सफाई व्यवस्था, जैसे फड़ वगैरह है वहाँ पर, सिरसों की जो कबाड़ा था वो पड़ा है, इस बारे में सेक्रेटरी साहब? हाँ, उसको हमारे सेक्रेटरी साहब से बात हुई और सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया है, कल उन्होंने सफाई के लिए आदमी लगाए थे और वो सफाई हो भी चुकी है, अब भी वे लगे हुए हैं, और 2-3 दिन के अंदर मंडी में सफाई व्यवस्था सारी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन से बोल दिया, प्रशासन ने सहयोग दिया है हमारे को और काम सफाई आने लगे हुए हैं। कल जैसे एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने दौरा किया, कुछ कमियां मिली हैं आप लोगों ने बताया कुछ ऐसे कुछ ले? नहीं, एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब ने सारे मंडी का जायजा लिया है, मंडी की व्यवस्था ठीक होने के नाते एसडीएम साहब ने बड़े खुश थे, वो कहना है कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत आएगी एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, एसडीएम साहब को हम उसके बारे में शिकायत करेंगे। किसानों से क्या अपील करेंगे जब? हाँ, किसानों से हम अपील करेंगे तब किसान अपनी फसल को सुखाकर अच्छी तरह से मंडी में लगा जाए, ताकि आपको बेचने में कोई परेशानी ना हो और आपका जो पेमेंट है आपकी, आपके टाइम पे आपके अकाउंट में पेमेंट पहुंच सके। क्या कहेंगे, मंडी का नया प्रधान बनाया गया है, उसको लेकर के पहले तो क्या कहेंगे आप? ठीक है जी, सर्वसिद्धि चुन दिया, अच्छे चुनिया, बढ़िया चुनिया, बहुत ही अच्छे इंतजाम करे, उम्मीद है पूरी। अच्छा, मंडी की व्यवस्था कैसी है? मंडी की व्यवस्था अनाज तो भी आना शुरू नहीं है, इक्को दुक्को दे दिया, 5-4 दिन में आएगा, बारदाना मंडी के साइड के अंदर पड़ेगा और प्रधान जी जो है बनवा देगा, अपना इंस्पेक्टर देगा, कुछ बाद ही लगे आने लगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, काम शुरू हो जाएगा, अब क्यों नहीं आने लगी सर? 1 तारीख से, 1 अप्रैल से जो है हरियाणा की मंडियों में गेहूँ की खरीद शुरू हो चुकी है, इंद्री की बात करें तो इंद्री में क्या व्यवस्था है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा जी, व्यवस्था यहाँ पे पूरी हो चुकी है खरीद को लेके, जो एजेंसी दो एजेंसी हैं यहाँ पे, DFSC और हैफेड, और दोनों के इंस्पेक्टर यहाँ पे पहुँच गए, बारदाना भी कल आ गया था, आज सभी आड़तियों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी अराइवल अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी थोड़ा लेट है गेहूँ, कल जो है 2 किसान लेके आए थे लेकिन उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से वो परचेज नहीं हो पाई है, अभी 4-5 दिन का टाइम लगेगा अराइवल होने में। बाकी साफ सफाई और पानी वगैरह की सारी व्यवस्था मंडी में कर दी गई है जी। किसानों को क्या अपील करेंगे, जैसे अभी गीली गेहूँ लेकर के आ रहे हैं, मॉइस्चर की वजह से सुखानी बढ़ रही है यहाँ पर अनाज मंडी में, तो क्या अपील करेंगे कि जल्दी उनको यहाँ से फारिग हो सके और उनका जो अनाज है वो अच्छे रेट पर बिक सके? मेरी किसानों से यही अपील रहेगी, एक तो जो अपनी गेहूँ है वो पूरी तरह से सुखा के लेके आए मंडी में, ताकि जल्द से जल्द उसकी परचेज हो जाए और वो जल्दी से यहाँ से अपने घर जा सकें बेच के अपनी फसल। और दूसरा एक ये है कि किसानों से मेरी अपील है कि जैसे गेट पे ऑनलाइन गेट पास जारी किए जाते हैं, वो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर लेके आए साथ में,
ताकि गेट पास जारी करने में किसी भी तरह की समस्या ना हो। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इस पे सर मैसेज वगैरह जो पहले जैसे मैसेज आते हैं किसानों पे उसी हिसाब से आएंगे? नहीं, अब की बार किसानों को भी दे दिया गया, वो अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं कि जिस दिन वो अपनी फसल लेके आना चाहते हैं। तो ऑनलाइन वो मैसेज के जरिए इसको। आपने सुना मंडी प्रधान को, आपने सुना मंडी के सेक्रेटरी को, उनका साफ तौर पर कहना है कि सफाई व्यवस्था मंडी में दुरुस्त है, लेकिन जो ये आंकड़े बता रहे हैं और जो ये तस्वीरें बयां करती हैं ये कितनी कारगर सिद्ध होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। किसानों को कितनी सुविधा और अड़तियों को कितनी सुविधा मुहैया कराई जाएगी ये भी समय बताएगा। मेरे साथ बने रहे और साथ के साथ इन खबरों को शेयर जरूर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री नई अनाज मंडी से पंकज कुमार।